हमारे भारत का आधार है। संस्कृति का ऐसा अखंड अटूट सिलसिला आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलता। हमारा देश नए को अपनाते हुए भी कभी पुराने को नहीं भुलाता। इसीलिए तो कल का भारत आज भी जीवित है और कल भी रहेगा। एक और बड़ी विशेषता है मेरे भारत की, सत्य की खोज। भारत नाम का अर्थ ही है भा, यानी प्रकाश, और उसकी खोज में लगा हुआ व्यक्ति। प्रकाश यानी सत्य की खोज में केवल योगी मुनि ऋषि ही नहीं, सुख सुविधा में पले बढ़े राजा राजकुमार भी किसी से कम नहीं रहे। भारत के दार्शनिक मनीषियों गुरुओं ने जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था, उसी को ठोस रूप दिया भारत भर में फैले तमाम राज्यों साम्राज्यों ने। दूसरी तरफ थे हमारे अभूतपूर्व वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और वैद्य। हजारों बरस पहले पृथ्वी की परिधि की सही नाप, मंगल और चंद्र तक का फासला और धरती से सूर्य की बराबर दूरी, सब बिना किसी दूरबीन या उपग्रह का सहारा लिए, केवल अपनी गणित, बीजगणित, ज्यामिति और खगोल ज्ञान से। ये उन्हीं पुरातन खगोल शास्त्रियों से मिले संस्कार कि आज भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी देश है। सहस्त्राब्दियों पहले कणादि आदि गुरु थे अणु को पहचानने वाले। फिर क्या आश्चर्य कि नई दुनिया में अणु शक्ति को साधने वाले देशों में हम हमेशा आगे रहे। योग में तन से मन और मन से आध्यात्म के योग के सूत्र ढूंढने का रहे थे पतंजलि जैसे ऋषि, और आज 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। वहीं विद्वान वैद्य मानव शरीर के छुपे हुए राज और हर बीमारी का इलाज खोज रहे थे। सर्जरी की भी शुरुआत इन वैद्यों ने कर डाली थी और कटे अंगों को जोड़ने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की भी। इन भारतीय वैद्यों से मिली प्रेरणा ही तो है कि कोविड आने पर आत्मनिर्भर भारत ने कुछ ही महीनों में खुद बीमारी का टीका बनाकर एक साल के अंदर टीके लगा डाले। ये दवा हमने दुनिया के और देशों को भी दी, क्योंकि मेरे देश का हमेशा से मानना रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार, वन वर्ल्ड वन फैमिली। तभी से भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और यहाँ का बेहतरीन पेश कीमती बेमिसाल माल और हिंदुस्तानी हुनर कारीगरी के नमूने दुनिया भर में जाते और लोगों को रिझाते थे। संसार को तमाम सामान ही नहीं, षट दर्शन और चार धर्म देने वाले भारत पर कई लोगों की बुरी नजर लगी हुई थी, मगर जब भी विदेशी हमलावरों या किसी आतताई ने मेरी मातृभूमि के मूल्यों, धर्म और संस्कृति पर हमला किया तो माँ की लाज बचाने के मुंह तोड़ जवाब दिया भारत की चापासों ने। किसके किसके नाम लो, जैसे जरा याद कीजिए मेरी दिल्ली की पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम। राजा पृथ्वीराज चौहान, वीरों में था वीर महान, अजय मेरु से दिल्ली तक फहराता था उसका निशान। आठ बार था किया पराजित जब गजनी से आया गौरी, पर था दुर्भाग्य नौवे युद्ध में टूट गई वो पक्की डोरी। हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान को मारने से पहले क्या आप इनका शब्द भेदी बाण का कौशल नहीं देखना चाहेंगे?
जब यह बंद आंखों से केवल आवाज सुनकर ही शिकार पर निशाना लगा लेते हैं। ये अंधा क्या निशाना लगाएगा? लगाएंगे महाराज पृथ्वीराज निशाना, बस आप आज्ञा तो दीजिए और दीजिए इनके हाथ में एक धनुष बाण। चलो ये तमाशा भी देख लेते हैं, इस काफिर के मरने से बेहतर खेदो इस अंधे को तीर कमान। चार बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चू क्यों चौहान। यूं मर कर भी उस राजपूत ने बचा लिया भारत का मान। धिक्कार है उन्हें मरा समझो, कायर जो जिए पिए अपमान। इन वीरों के बलिदानों से ही भारत है आज बना महान। भारत के दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे शरीर को घायल कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर वो भारत की आत्मा को कभी नहीं मार पाएंगे। तभी तो आज जब इजिप्ट, ग्रीस, रोम, लैटिन अमेरिका की इंका, माया, फारस की अवस्था और चीन की पुरानी संस्कृतियां सब नष्ट हो चुकी है, तो केवल भारत की पुरातन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, धर्म, विचार, आध्यात्मिकता अभी भी जिंदा है, जावेद और जागृत है। आज भी घर की पहली रोटी गाय को दी जाती है। आज भी सुबह सुबह लोग चींटियों को आटा खिलाते हैं। हर घर आंगन पोल में चिड़ियों के लिए दाना पानी रखा जाता है। आज भी हम पेड़ों, प्रकृति, निसर्ग को किसी देवता सा पूजते हैं और नदियों को माँ मानते हैं। और ये सब तब से जब किसी ने एनवायरमेंटल बैलेंस और क्लाइमेट चेंज का नाम भी नहीं सुना था। मेरे भारत पर एक काला साया तब पड़ा जब गोरे अंग्रेजों ने छल बल से हमें अपना गुलाम बना लिया। ये सूरत गैरतमंद हिंदुस्तानियों को कतई कबूल नहीं थी। सन था 1857। सुनो भाइयों, सुनो भाइयों, कथा सुनो 57 की, कान खोल कर सुनो कथा है क्रांति के पहले सावन की। अंग्रेजों की धूप कड़ी थी, धरती पर थी आफत, 57 की गर्मी पाकर खिल उठी थी बगावत। सारे भारत में आग लगी थी, क्या झांसी क्या अंबाला, पंजाब बिहार अवध झारखंड, दिल्ली हो या बंगाला। वो क्रांति भले ही कुचल दी गई पर उसी दिन से शुरू हो गया था एक नया स्वतंत्रता संग्राम। लंबी जंगे आजादी के बाद जब मेरे भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता पाई, तो उस दिन सदियों की गुलामी के बाद मेरे लाल किले पर भी आजाद भारत का परचम लहराया गया था। उस दिन से आज तक देश के 14 प्रधानमंत्री हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस को यहां आते हैं और जब देश का गौरवशाली तिरंगा फहराते हैं तो मैं गर्व से और तन जाती। नव भारत ने था कण डाला
संवेशी एक खरा संविधान, सब जनगण को अधिकार दिए थी अपने देश की सोच महान। जब भूख लगी तो हरित क्रांति कर भंडारे भर गए किसान, शक्ति ऊर्जा के पूरण को अणु तोड़ गए अपने विद्वान। देश की रक्षा करने को मुस्तैद हैं अपने वीर जवान, हर सीमा पर है डटे खड़े हो बर्फ पहाड़ या रेगिस्तान। जब प्यास लगी तो दूध की नदियां बहा गए अपने ग्वाले, आकाश अंतरिक्ष छूने को बढ़ चले अपने इसरो वाले। छुआ चंद्र कभी कभी मंगल ग्रह, ऐसे हैं मंसूबे अपने, भारत है करने आज खड़ा अपने पूरे सारे सपने। इस हिंदुस्तान की छिपी शक्ति अब ये दुनिया पहचानेगी, और विश्व गुरु इस भारत को सारी ही दुनिया मानेगी।